बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ चार धाम यात्रा से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 3 जिलों के चार धाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था। प्रदेश मंत्रिमंडल ने चार धाम यात्रा संबंधित जिलों के लोकल लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया था। 1 जुलाई से चमोली जिले के लोग श्री बद्रीनाथ जी धाम, रुद्रप्रयाग के लोग श्री केदारनाथ जी धाम और उत्तरकाशी जिले के लोग श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री जी धाम के दर्शन कर सकने वाले थे। इसके लिए तीर्थ पुरोहितों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सभी तीर्थयात्रियों को RT-PCR या एंटीजन नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आना जरूरी था। बता दें कि पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर में भी सरकार ने 1 जुलाई से ही चार धाम की यात्रा शुरू की थी। इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने पर सरकार ने अभी चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जनपदों के लोगों के लिए चार धाम यात्रा शुरू करने की मंजूरी दी थी। 25 जून की कैबिनेट में राज्य सरकार ने प्रदेश के 3 जिलों के लिए सीमित रूप में चार धाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन आज हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू करने के उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने चारों धामों में होने वाली पूजा का लाइव टेलीकास्ट किए जाने का निर्देश भी दिया। कोर्ट में सरकार की ओर से चार धाम यात्रा को लेकर जारी SOP को शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने कहा कि इस SOP में हरिद्वार जिले में पुलिस की तैनाती का जिक्र किया गया है, जिसे कि यात्रा को लेकर सरकार की गंभीरता जाहिर हो रही है। कोर्ट ने SOP को हरिद्वार महाकुंभ की SOP की ही कॉपी बताते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से पुजारियों व पुरोहितों के विरोध संबंधी दलील पर कोर्ट ने कहा कि उसे धार्मिक भावनाओं सहित जन स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान है। कोर्ट ने कहा कि जब धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे तब ऐसी कोई तकनीक थी ही नहीं जो इसे शास्त्रों में गलत बताया जाता। देश के प्रमुख मंदिरों से लाइव प्रसारण होता है। कोर्ट ने कहा कि चुनिंदा लोगों, पुजारियों व पुरोहितों के हित के मुकाबले में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से लोगों की जिंदगी बचाना ज़्यादा जरूरी है। सरकार को भी इस प्रकरण में व्यापक जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो भक्तों, ये थी चार धाम यात्रा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।